अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कंटेंट में अपना एक और गार्डन ओवरव्यू दिखाना चाहूँगी। एक तो गार्डन जिसकी मैं आपको वीडियोस अपलोड करती वगैरह हूँ वो तो मेरे घर के अंदर ही है, और दूसरा जो गार्डन है वो मेरे दूसरी यानी कि एक प्लॉट में है जहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र किया था। तो इसके अंदर हमने बर्ड्स वगैरह भी रखे हुए हैं, बजीज और कॉकटेल, तो आप इनके भी स्पीशीज़ देख सकते हैं। वैसे मुझे इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, आई एम अ पेट लवर एंड गार्डनर लवर, लेकिन इनके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलाएँ ओवरव्यू, गार्डनिंग ओवरव्यू की तरफ चलते हैं कि इस वाले एरिया में मैंने कौन कौन से पौधे वगैरह लगाए हैं और कौन कौन से लगाना चाहती हूँ। और लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे पहले हैबिकस का पौधा है जो हमने लगाया है, और इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी मैं, और वीडियो के एंड पे भी ऊपर लिंक आ रहा होगा जिसे आप देख सकते हैं। तो ये आपने अंजीर का पौधा देख रहे हैं, ये एक मेरे पास छोटा है और एक बड़ा है। इसके ऊपर अंजीरें तो लगती हैं लेकिन बुलबुल आके या कोई और परिंदे आके खा जाते हैं, क्योंकि ये उतारने की पहुंच से दूर हैं और ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो आगे ये कद्दू की बेल है, इस बेल पे फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन फ्रूटिंग नहीं लग रही। फ्रूटिंग ना लगने की सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे पोलिनेटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से पोलिनेटर्स पोलिनेशन नहीं कर पाते। मेल और फीमेल फ्लावर मुरझा जाते हैं अपना टाइम पूरा करने के बाद और कोई फ्रूट या वेजिटेबल नहीं लगता। यहाँ पर कद्दू, करेले, खीरे की बेलें लगी हैं लेकिन इनके ऊपर फ्लावर्स और पोलिनेशन नहीं हो रही। आगे ये जो पौधा स्क्रीन पे आ रहा है ये सदाबहार का पौधा है, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो सारा साल आपको पौधे देता रहेगा। इस पर तीन कलर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, पर्पल, पिंक और वाइट कलर में। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हर जगह देखा जाता है वो पर्पल कलर का है, और हर नर्सरी में आपको ये सदाबहार के नाम से पौधा मिल जाएगा। उसके बाद ये नियाज़बो के पौधे हैं, अगर आप अपने घर में एक नियाज़बो का पौधा लगाते हैं तो अगले साल आप उस पौधे एक पौधे से 100 पौधे बना सकते हैं। तो इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि एक पौधे से 100 पौधे कैसे बना सकते हैं। तो ये था मेरी गार्डनिंग का ओवरव्यू, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।